Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to ask you about the very little topic and very important topic, concept of the these, that and those. Suna bhi hoga, this is a pen. These are pens. That is a pen. Those are pens. So pens saron mein aaya hai, lekin लिटिल बिट डिफरेंसेज ये कॉन्सेप्ट दिस दैट डोज का यहाँ पे डिफरेंसेज है. तो हमको किस किस सिचुएशन में कब कब हमको ये सारे वर्ड्स को यूज़ करना है अपने सेंटेंस में, वेरी वेरी लिटिल टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, यूँ समझ में आने वाला है. तो लेट्स सी द वर्ड्स द कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ द दिस क्या कह रहा है, डैड क्या कह रहा है, दीज क्या कहता है एंड दोज क्या कह रहा है. गाइज यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड जनरली स्पीकिंग वी यूज दिस रिफर पीपल एंड थिंग्स सिचुएशन एक्सपीरियंस दैट आर क्लोज टू द स्पीकर और वेरी क्लोज इन द टाइम. जो भी बोलने वाला होता है उसको वेरी क्लोज होता है. एंड जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द दिस एंड दिस मैं आपको सिंपल टोन में कहूँ तो यहाँ पे नियर के लिए यूज़ होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकली हमारे यहाँ दिख रही है, मेरे पास में है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट दिस एंड दिस का यूज़ करेंगे इन द सेंस ऑफ सिंगुलर. सिंगुलर मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सॉरी सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी रहेगा यहाँ पे. इन द सेंस ऑफ दिस यूज फॉर द सिंगुलर, इन द सेंस ऑफ दिस यूज द प्लूरल. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पेन, दिज आर द पेन. ठीक है, दोनों ही चीज़ें पास में हैं. यहाँ पे एक साइड एक पेन रखा है, एक साइड कुछ बुक्स रखे हुए हैं. तो एक पेन के लिए हम बोलेंगे दिस इज़ अ पेन एंड कई सारे बुक्स रखे हुए हैं तो हम बोलेंगे दीज आर बुक्स. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फोकस करना है. यू कैन सी ऑन द आर क्लोज टू द स्पीकर होना चाहिए और वेरी क्लोज इन द टाइम. करेक्ट गाइस, वेरी क्लोज बोलने वाले के बहुत पास होना चाहिए ऐसी टाइम पे. करेक्ट, एंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट से डैट एंड डोज. डैट एंड डोज क्या कह रहा है इसको आप फोकस करिए यहाँ पे. एंड यू कैन सी हियर वी यूज डैट एंड डोज रिफर्स टू पीपल एंड थिंग सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस दैट आर मोर डिस्टेंस आइदर इन द टाइम और फिजिकली. कहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, मोर डिस्टेंस होता है आइडर इन अ टाइम और फिजिकली. करेक्ट गाइज, आई कैन से हियर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. आप बिल्कुल क्लियर समझो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दिस का यूज़ वनली आप करेंगे. कोई भी चीज़ें नियर में है, पास में है आपके, उसके बट यहाँ पे डिफरेंसेस दिस के लिए यूज़ होगा वनली सिंगुलर एंड दिस के लिए यूज होगा प्लूरल. एक पेन है तो दिस इज अ पेन, कई सारे पेन है तो आप बोलोगे दीज आर पेन्स. एंड इन अ डिफरेंट वे में जस्ट इसका अपोजिट है डैट फॉर द डिस्टेंस के लिए यूज होगा सिंगुलर, दोज भी डिस्टेंस के लिए यूज होगा एंड प्लूरल. जस्ट इसका अपोजिट ये कह रहा है. एंड नेक्स्ट वन से कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. What's this next slide see? You can learn some more example. कुछ example से आप देख सकते हो guys. It's all about the example of the singular. Singular example है. You can see in a singular for near use this or distance use that. Singular के लिए हम use करेंगे only singular. एक वचन आपने पढ़ा होगा. We use this concept and that concept. ठीक है, एक वचन के लिए हम यूज़ करेंगे. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रही है सिंगल तो कॉन्सेप्ट इज द दिस एंड डैट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दिस इज़ अ बुक बिकॉज ये पास में बाय मिस्टेक यहाँ पे जो पिक्चर्स लिया गया है ये बॉक्स का लिया गया है. आप इसको एज्यूम करिए दिस इज़ अ बुक. आप सपोज करिए दिस इज अ बुक नॉट अ बॉक्स. दिख रहा है बॉक्स लेकिन लिखा है यहाँ पे बुक, तो अब इसको बुक एग्ज्यूम करो. पिक्चर्स मिस्टेक्स लिए गए. ओके गाइस, ये क्या है पास में है तो दिस इज अ बुक. यहाँ पे क्या है डिस्टेंस में है तो आप यूज करेंगे डैट इज अ बुक. यहाँ पे भी केवल एक ही बुक है. ओके गाइस, इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट वन. यू से कैन वॉच नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट लाइन से अबाउट द प्लूरल, प्लूरल क्या कह रहा है यहाँ पे? ओके प्लूरल इट मीन्स बहुवचन, फॉर यूज नियर एंड दिस एंड फॉर डिस्टेंस यूज दोज। प्लूरल के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दिस एंड डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे हम दोज। करेक्ट गाइज। फॉर एग्जाम्पल दीज आर हर्ड्स, ये क्या है हर्ड्स क्या है, कई सारे हर्ड्स हैं इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है दीज आर हर्ड्स, देख पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट यूज दोज आर स्टार्स, डिस्टेंस पे हैं ये स्टार इसीलिए इनको यूज किया गया है दोज आर स्टार्स। करेक्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दीज आर हर्ड्स, कई सारे हर्ड्स हैं डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दीज कही होगी, डिस्टेंस है यहाँ पे कई सारे स्टार्स हैं दोज आर द स्टार्स। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओके। एंड नेक्स्ट सी एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द दिस एक्सरसाइज एंड यू सॉल्व एट योर होम, कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंट ओवर द दिस दीज दैट एंड दोट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, दीज आर बुक्स भी बोलेंगे, डैट आज बुक्स भी, कुछ भी जो भी मन में आता है बोल देते हैं। छोटी सी कॉन्सेप्ट नहीं पता होने के रीज़न से आपको एम्बैसमेंट फील होना पड़ सकता है किसी के साथ, कोई अगर नॉलेजेबल पर्सन होगा तो वन वो माइंड करेगा यार इस तो मिस्टेक्स बोल रहे हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट द दीज दैट डोज एंड that okay, you can take the screenshot of this okay guys। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी वहाँ से सारे नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल करके ईजिली आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये बहुत ईजी हो जाएगा जो हमारे स्टूडेंट्स ने अगर ऐप डाउनलोड किया है तो सारे नोट्स को आप ईजिली पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, टुडे लेक्चर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस दीज दैट एंड दोज। ओके I will meet you in the next class. Thank you for watching this video. Bye-bye.